अस्सलाम वालेकुम मदर्स, विटामिन डी डेफिशिएंसी है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन डी की कमी क्या है, इसकी अलामत क्या है, इसकी वजूहात क्या है, साथ ही साथ आप किस तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हैं, विटामिन डी आपकी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, इसका सूरज से क्या कनेक्शन है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल मदर डायरी पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन डी की कमी क्या है। विटामिन डी की कमी का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं है। विटामिन डी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि आपकी स्किन सूरज की रेस को यूज करके, यानी सन रेस को यूज करके आपकी बॉडी में विटामिन डी पैदा करती है। क्या आप ये बात जानते हैं कि गोरी रंगत वाले अफराद और कम उम्र अफराद धूप को विटामिन डी में तब्दील करते हैं, इन लोगों की निस्बत जो स्याह फाम और 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या अलामत हैं, जिसमें सबसे पहले है थकावट। आपको अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप हर वक्त थका थका महसूस करते हैं। सेकंड वन इज कमर के निचले हिस्से में दर्द। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको अक्सर कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है। थर्ड पॉइंट इज पट्ठों की कमजोरी। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको पट्ठों की कमजोरी हो जाती है या फिर अक्सर आपको पट्ठों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। नेक्स्ट वन इज नींद में परेशानी। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको नींद बहुत मुश्किल से आती है। नेक्स्ट वन इज बाल गिरना। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपके बाल बहुत जल्दी झड़ना शुरू हो जाएंगे, बहुत ज्यादा गिरने लगेंगे। नेक्स्ट वन इज एक्जिमा। एक्जिमा एक तरह की एलर्जी का नाम है। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो अक्सर लोगों में एक्जिमा भी देखने में आता है कि उनको एक्जिमा की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट वन इज बाकायदगी से बीमार होना। जिन लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है वो ज्यादातर बीमार रहते हैं। नेक्स्ट वन इज चक्कर आना। जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उन्हें चक्कर भी बहुत ज्यादा आते हैं। एंड द लास्ट वन इज यूट्रस में इन्फेक्शन। जिन लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उन्हें बार बार रिपीटली यूट्रस में इन्फेक्शन होता रहता है। चाहे वो उसका जितना मर्जी इलाज करवा ले, लेकिन अगर उन्हें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उन्हें बार बार इन्फेक्शन होता रहेगा। अक्सर जिन लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनका हाजमा भी ठीक नहीं रहता, उन्हें हजम करने में बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं। तो ये मैंने आपके साथ विटामिन डी डेफिशिएंसी की अलामत डिस्कस की, यानी सिम्टम डिस्कस किए। अब हम ये जानते हैं कि इसकी वजूहात क्या हो सकती है, यानी इसके कॉजेस क्या होते हैं। आप मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर विटामिन डी की कमी का शिकार हो सकते हैं। जैसा कि आपको अपनी डाइट में प्रॉपर क्वांटिटी में विटामिन डी नहीं मिल रहा, इस वजह से आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। सेकंड वन इज आप खाने से काफी विटामिन डी जज़ब नहीं करते, यानी कि आपकी बॉडी में कोई खराबी है, कोई मसला है। थर्ड वन इज आपको सूरज की रोशनी से काफी नुमाइश नहीं मिलती, यानी कि आप सूरज की रोशनी में बहुत कम बैठते हैं, आपको सूरज की रोशनी नहीं मिलती, नहीं लगती, आपकी बॉडी सूरज की रोशनी को कंज्यूम नहीं करती। ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है विटामिन डी डेफिशिएंसी की। नेक्स्ट वन इज आपके जिगर या गुर्दे में कोई मसला है जो विटामिन डी को आपकी बॉडी में उस तरह से अब्सॉर्ब नहीं कर रहे जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज आप ऐसी दवाइयां लेते हैं जो आपके जिस्म के विटामिन डी को तब्दील करने या फिर उनको बॉडी में अब्सॉर्ब करने की सलाहियत में रुकावट पैदा कर रहे हैं, यानी कि आप किसी और बीमारी की वजह से ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं जो कि विटामिन डी के रास्ते में रुकावट है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको विटामिन डी की जरूरत क्यों है और आप इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। विटामिन डी आपकी बॉडी को कैल्शियम जज़ब करने में मदद देता है। कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी का आपके स्टाफ पट्ठों पर बहुत ज्यादा असर होता है। आप 3 तरीकों से विटामिन डी हासिल कर सकते हैं, अपनी जिल्द के जरिए, अपनी खुराक के जरिए और सप्लीमेंट के जरिए। जिस्म कुदरती तौर पर सूरज की रोशनी की नुमाइश यानी सूरज की रोशनी की रेस को बॉडी में विटामिन डी में तब्दील करता है, लेकिन सूरज की बहुत ज्यादा रोशनी जिल्द की उम्र बढ़ने और जिल्द के कैंसर का बाइस बन सकती है। इसलिए बहुत से लोग दूसरे जराये से विटामिन डी हासिल करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि वो ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें विटामिन डी शामिल हो या फिर विटामिन डी की कंजम्पशन के लिए सप्लीमेंट्स का यूज भी करते हैं। अगर डाइट देखी जाए कि किन चीजों से विटामिन डी हासिल हो सकता है तो उनमें मछली, बीफ, पनीर, अंडे की जर्दी, दूध, माल्टे का जूस,
दूध की मसनूआत जैसे कि दही, पनीर और मुख्तलिफ मशरूबात से भी आप विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। विटामिन डी बहुत से मल्टी विटामिन में भी होता है। अगर आप विटामिन डी की कमी का शिकार हैं, तो इसके इलाज के लिए सप्लीमेंट आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मालूम कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि बहुत ज्यादा विटामिन डी भी नुकसानदेह हो सकता है। तो क्या बहुत ज्यादा विटामिन डी नुकसानदेह होता है? बहुत ज्यादा विटामिन डी हासिल करना, जैसे विटामिन डी जहरीला कहा जाता है, नुकसानदेह हो सकता है। जहरीलेपन की अलामत में मतली, उल्टी, कमजोरी, भूख, कब्ज, वजन में कमी शामिल है। बहुत ज्यादा मिकदार में अगर विटामिन डी कंज्यूम किया, आपके खून में कैल्शियम की सतह को भी बढ़ाती है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी, तो ये आपके हार्ट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विटामिन डी के जहरीला होने के ज्यादातर मामला इस वक्त होते हैं जब कोई विटामिन डी सप्लीमेंट्स का ज्यादा इस्तेमाल करता है। सिर्फ सप्लीमेंट से विटामिन डी की ज्यादती हो सकती है, तो इसीलिए कभी भी डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर विटामिन डी की सप्लीमेंट्स मत खाएं। विटामिन डी का सूरज के साथ क्या कनेक्शन है? सूरज की रोशनी के आपकी हेल्थ पर बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। विटामिन डी इस वक्त पैदा होता है जब आपकी जल्द सूरज की रोशनी के सामने आती है। देखा जाता है कि आप कहाँ रहते हैं, उस इलाके का मौसम कैसा है, वहाँ कितनी रोशनी लगती है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। बॉडी में विटामिन डी की मुनासिब सतह तक पहुंचना और फिर इसे बरकरार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी डाइट पर गौर करें और थोड़ी सी सूरज की रोशनी हासिल करें, तो आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। लेकिन अगर इन सब से भी काम नहीं हो रहा, तो फिर आपको विटामिन डी की सप्लीमेंट्स लेने का कहा जा सकता है। विटामिन डी की सप्लीमेंट्स दो शक्लों में होती हैं। विटामिन डी दो शक्लों में आता है, D2 और D3। D2 जिसे एर्गो कैल्सिफोरल भी कहा जाता है, और D3 जिसे कॉली कैल्सिफोरल भी कहा जाता है। D3 पौधों से आता है, जबकि D2 जानवरों से आता है। D3 हासिल करने के लिए आपको प्रॉपर एक मटेरियल तैयार करना पड़ता है, यानी आपको डिफरेंट रेमेडीज तैयार करनी पड़ती हैं, जबकि D2 आपके सामने दस्तयाब होता है, ज्यादा आसानी से जज़्ब होता है और खुराक के बदले जिस्म में ज्यादा देर तक रहता है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, आपका डॉक्टर ही आपको बेटर गाइड कर सकता है। वो आपकी कंडीशन को चेक करेगा और आपको बताएगा कि आप अपनी डाइट अच्छी करें, थोड़ी सी धूप लगवाएं। अगर उससे भी आपका मसला हल नहीं होता, तो वो आपको सप्लीमेंट्स रिकमेंड करेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर मत करें। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। डिफरेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो या फिर बेबी की प्रॉब्लम से रिलेटेड, क्योंकि हमारे चैनल पर है हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।